A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th business studies. As you know very well, in the last few videos, we discussed the important case studies from the different chapter and which are already asked in the last few CBSE board question papers. So from the your final exam point of view, all the case studies are very important. So I requested to all the students kindly listen and watch all these videos very carefully, because जिसमें जितने भी questions मैं discuss कर रहा हूँ या जितने भी मैं question यहाँ पे discuss कर रहा हूँ उस पर हम लोग explanation देख रहे हैं, उसके answers को guess कर रहे हैं. All the questions was asked in the examination. Okay? So सिमिलरली जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ केस स्टडी डिस्कस किया, उसी तरह से आज भी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द टुडेज क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इन टुडेज वीडियो, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 43 इज बेनी आफ्टर कंप्लीटिंग हर MBA टूक अप अ जॉब विथ मल्टीनेशनल कंपनी नेम्ड फोर्ट्यू. The company was paying good salary and perks to its employees. Their wages were within the paying capacity of the company that provided the employees a reasonable standard of living. The company also had a good work culture and behavior of superiors was very good towards their subordinates. Benny was very happy in this organization, but due to long working hours, she did not have time to cook her meal. She had to depend upon outside food, which was deteriorating her health. Means Benny ने अपना MBA complete किया और वो एक multinational company Fortio के साथ उसने काम start किया. Company उसे एक अच्छी salary और कई तरह की other benefits भी provide करती थी. The wages were within the paying capacity of the company, और जो paying capacity थी company की वो sufficient थी और इतनी थी जिससे वो अपने वर्कर्स को एक प्रॉपर वेजेस दे सके, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक सुटेबल रहे. द कंपनी हैज़ ऑल्सो गुड वर्क कल्चर, यानी वहाँ उस कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा था. सुपीरियर का बिहेवियर अपने सबॉर्डिनेट को लेकर अच्छा था और बेनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत खुश थी. लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही लॉन्ग वर्किंग आवर था, जिसके कारण सी डिड नॉट हैव टाइम टू कुक हर मिल, जिसके कारण वो अपने घर में खाना नहीं बना पाती थी और वो अधिकतर बाहर के खानों पे डिपेंड रहती थी, जिससे उसकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा था. सी ऑब्जर्व दैट दिस प्रॉब्लम वॉज फेस्ड बाई मैनी अदर हर कलीग्स. उसने ऑब्जर्व किया बहुत सारे अदर कलीग्स को, नॉट ओनली इन हर कंपनी बट ऑल्सो इन मैनी अदर कंपनीज. उसने ये भी देखा कि सिर्फ वो उसके कलीग की हालत वैसी नहीं है, बल्कि बाकी कंपनीज में भी ऐसी सिचुएशन है. दिस वॉज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वोमेन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजेनिक होम कुक फूड. ये इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि बेसिकली नंबर ऑफ वर्किंग वोमेन ज़्यादा हो गई हैं. मीन्स ज़्यादातर वोमेंस जो हैं वो कई जगह मल्टीनेशनल में या नेशनल कंपनीज में काम कर रही हैं, जिसके कारण मार्केट में एक सही होम कुक फूड नहीं मिल पा रहा है, हाइजेनिक, वो भी साफ सुथरा. सी आइडेंटिफाई दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और उसने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैप आउट की एंड डिसाइडेड टू गिव अप हर जॉब, और उसने अपना जॉब छोड़कर सप्लाई स्टार्ट किया पैकेट होम कुक फूड टू ऑफिस गोअर्स एट अ रीजनेबल प्राइस. उसने जॉब स्टार्ट किया कि वो होम कुक फूड सप्लाई करेगी उन लोगों को जो ऑफिस डेली जाते हैं रीजनेबल प्राइस में. At the end of the day, she was also disturbing the leftover food in the nearby snack cells. इसके बाद वो रात में जो भी खाना बच जाता या जो खाना वेस्ट होने के लायक हो रहता, उस खाने को उसने नाइट शेल्टर्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया. क्वेश्चन कितना प्यारा है कि एक छोटा सा एक प्रॉब्लम को उसने वेपन की तरह यूज़ किया और उस प्रॉब्लम को से उसने एक नई अपॉर्चुनिटी डेवलप की. यहाँ क्वेश्चन है, स्टेट द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कसेबल.
इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताना है बिजनेस इन्वायरमेंट के किस डायमेंशन की बात हो रही है। सेकेंड, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बींग फॉलोड बाई फोशलू। फोशलू ने किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया है, और ये भी मैं कह सकता हूँ किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वॉयलेट किया है, और उसमें टू वैल्यूज़ भी आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2015 ऑल इंडिया CBSE के एग्जामिनेशन में आ चुका है। सो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो लीगल, पॉलिटिकल तो होगा नहीं, इकोनॉमिक की बात भी नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजिकली की बात भी नहीं हो रही है, तो बचा सोशल इन्वायरमेंट। बिकॉज इन इस पैराग्राफ में पूरी सोसाइटी की बात हो रही है। सो सोशल इन्वायरमेंट विच इंक्लूड द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम एंड ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड etc. सेकेंड है, कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ फॉलो अप हुआ है। यहाँ अगर आप सोशल इन्वायरमेंट्स को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप लाइन से भी हाईलाइट कर सकते हैं, दिस वॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजेनिक होम कुक। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ फॉलो रहा है, तो रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। इट इज स्टेट दैट द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज इन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड द कंपनी वॉज गुड पेइंग गुड सैलरी पर्क्स टू एम्प्लॉयज, द वेजेस वेयर विद इन द पेइंग कैपेसिटी, स्टैंडर्ड एंड लिविंग। और इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो नहीं हुआ, वो है वर्क स्टडी, जिसमें हम लोग आपको पता है फैटिग्यू स्टडी को भी एनालाइज करना चाहिए। और कौन सी वैल्यूज यहाँ पर कम्युनिकेट हो रही, गुड वर्क कल्चर, गुड बिहेवियर इन इन ह्यूमन इंट्रैक्शन, एंड गोइंग कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयज एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सेज दैट एन एनवायरमेंट कॉन्शियस मल्टीनेशनल कंपनी AXN लिमिटेड फॉलो सर्टेन वेल डिफाइंड बिजनेस प्रिंसिपल दैट रिजल्ट टू मिनिमाइज द एम्प्लॉय टर्नओवर। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर फॉलोड बाई AXN लिमिटेड। फर्स्ट, ऑनर द लॉ ऑफ एवरी कंट्री इन विच इट ऑपरेट, रिस्पेक्ट द कल्चर एंड कस्टम ऑफ ऑल नेशन, प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड नंबर 4, डेवलप अ कल्चर इन द कंपनी डेट इन्हेंस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क वाइल ऑनरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। कह रहा है एक कंपनी है AXN, मल्टी नेशनल कंपनी है जो बहुत ही इन्वायरमेंट कॉन्शियस है, उसने अपने बिजनेस के कई सारे प्रिंसिपल डेवलप किए ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाए, और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर उसने कुछ फॉलो किए, जैसे पहला उसने कंट्री के लॉ को फॉलो करने की बात की, नेशन के कल्चर एंड कस्टम्स को रिस्पेक्ट की देने की बात की, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट जो क्लीन हो, सेफ हो, उसको पे को प्रोड्यूस करने की बात की, और एक ऐसे कल्चर कंपनी में एक ऐसे कल्चर को डेवलप करने की बात की जिससे इंडिविजुअल क्रिएटिविटी बढ़े, टीम वर्क बढ़े, जिससे लोगों के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का जो फीलिंग है वो डेवलप हो। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी वन जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एनी वन डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको कोई एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और कोई एक बिजनेस इन्वायरमेंट बताना है, तो वो तो सिंपल सा है। इस पूरे केस स्टडी में अगर हम बात करें तो पहला तो सबसे सिंपल सा है कि हम कस्टम कल्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सोशल इन्वायरमेंट तो है ही, यहाँ हम लॉ को ऑनर करने की बात कर रहे हैं तो लॉ लीगल इन्वायरमेंट भी यहाँ पर आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी आ रहा है जिसमें हम आई इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को कहते हैं, इनिशिएटिव टीम वर्क की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग स्प्रेड द क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कौन कौन सा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर आ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्प्रेड द क्रॉप्स एंड इनिशिएटिव, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है दिल्ली 2015 कंपार्टमेंट में एग्जामिनेशन में। और बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशन कौन सा है, कोई एक लीगल एंड सोशल, कौन कौन सी वैल्यूज कवर्ड हुई हैं, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, क्लीननेस एंड हाइजीनिक, रिजन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सेकुलरिज्म। सो यू कैन सी दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि कौन कौन सा डायमेंशन बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशन यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। कौन कौन सा प्रिंसिपल अमेंडमेंट यहाँ फॉलो हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्प्रेड द क्रॉप्स एंड इनिशिएटिव। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी CBSE के दिल्ली में कंपार्टमेंट 2015 में पूछा जा चुका है। द क्वेश्चन इज,
iPhone India Limited is a manufacturer of advanced category of mobile phone. The company trained its engineer from Japan. Its market its mobile phone domestically as well as internationally. The company had a substantial market share and had a loyal customer following because of the quality of its iPhone. From the last financial year, the company had been unable to achieve its target because of competition in the market. The company is planning to revamp its controlling system. iPhone India Limited ने advanced category का mobile phone manufacturing करने का decision लिया. कंपनी ने अपने इंजीनियर को जापान से ट्रेन कराया और उसने मोबाइल फ़ोन को डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट किया. कंपनी का सब्सटेंशियल मार्केट शेयर है और उसके पास लॉयल कस्टमर हैं क्योंकि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है. बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि कंपनी के जो मोबाइल फ़ोन्स थे उसके अलावा भी कई सारे और भी मोबाइल फ़ोन हैं जिससे कंपटीशन बढ़ गया. कंपनी इज प्लानिंग टू रिवैम इस कंट्रोलिंग सिस्टम. उसने अपने कंट्रोलिंग सिस्टम को फिर से रिनोवेट करने की कोशिश की, फिर से रिवैम करने की कोशिश की. पहला इसमें बोला आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द वेब पैरा. तो वो क्लियरली है कि इस क्वेश्चन में कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को जापान से ट्रेन कराया एंड ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग. और लास्ट में इसमें कंट्रोलिंग सिस्टम को रिवैम्प करने की प्लानिंग हो रही थी. यहाँ कंट्रोलिंग क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ये बात हो रही है कि क्या हमारा स्टैंडर्ड था, हमने कितना अचीव किया, तभी तो पता चला कि हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कैपेबल नहीं हैं. तो इसमें स्टाफिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है. और इसमें लिखा है स्टेट द स्टेप्स ऑफ रिवैम्प कंट्रोलिंग सिस्टम टू बी फॉलोड बाई द कंपनी टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. अपने कंट्रोलिंग सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए उसे कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे तो आपको पता है. कोई भी टारगेट अगर हमारा अचीव नहीं होता तो वो डेविएशन आता है और उस डेविएशन को एनालाइज करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं. दो टेक्निक्स से हम उस डेविएशन को एनालाइज करते हैं. दैट इज़ एन डेविएशन एनालाइज विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एज वेल एज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. और उसके बाद आफ्टर एनालाइजिंग द डेविएशन वी टेक द करेक्टिव एक्शन विच इज़ कॉल्ड टेकिंग करेक्टिव एक्शन. तो दो स्टेप आपको लेने पड़ेंगे. आपने देखिए इसमें टारगेट शुरू कर लिया होगा, उसके बाद आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया होगा, तब जाकर आपको पता चला होगा कंपनी इज़ अनेबल टू अचीव इट्स टारगेट. इसका मतलब डेविएशन है. डेविएशन के बाद हम उसको एनालाइजिंग डेविएशन करते हैं, फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन करते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, फिर उसका आंसर लिखना पड़ेगा. उसके बाद लिखा है कौन सा वैल्यूज़ है. तो सर्विंग द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन इज मोहित गुप्ता इज अ वर्किंग विथ येल्लो सिक्योरिटी लिमिटेड. ही इज ऑल्सो रिक्रूटिंग सिक्योरिटी गार्ड फॉर द कंपनी. द कंपनी प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज इन दिल्ली एंड नोएडा एट शॉर्ट नोटिस टू वेरियस कंपनी. द गार्ड आर रिक्रूटेड ऑन द टेम्पररी बेसिस. द गार्ड प्रोवाइडेड बाई दिस कंपनी आर नोन फॉर देयर हॉनेस्टी एंड पंचुअलिटी. मोहित गुप्ता इज वेल नोन इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल. मोहित गुप्ता एक येल्लो सिक्योरिटी सर्विस में काम करते हैं. उन्हें सिक्योरिटी गार्ड में रिक्रूट करने के लिए रिक्रूट करते हैं. कंपनी ने उन्हें प्रोवाइड किया है सिक्योरिटी सर्विस इन दिल्ली एंड नोएडा एट शॉर्ट नोटिस टू वेरियस कंपनी, उसकी कंपनी को. और भी लिखा है कि वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे रिक्रूट होते हैं. गार्ड कंपनी द गार्ड प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी आर नोन फॉर देयर हॉनेस्टी. और इस कंपनी के थ्रू जो भी गार्ड दिए जाते हैं वो अपने हॉनेस्टी और पंचुअलिटी के लिए जानते हैं. मोहित गुप्ता इज़ वेल नोन इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल. मोहित गुप्ता बहुत ही जानते हैं अपने विलेज में और वो ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं अपने अनस्किल्ड पीपल को. सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय द येल्लो सिक्योरिटी लिमिटेड. द राइट आंसर इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं. ये क्वेश्चन ऑल इंडिया में CBSE में 2015 में आ चुका है कि इसमें हम किस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात है, एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर रहे हैं. और इसमें क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है कि हम आपको इतने
सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करेंगे एज ए कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट। एडवांटेज क्या है इसमें, लीड डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको हम चांस ना देकर बाहर से किसी लोगों को हम क्या कर रहे हैं, चांस दे रहे हैं, और उनके मन में प्रमोशन जो रुक गया है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। उसमें लिखा है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड विच इज़ बिंग फुलफिल्ड बाई द कंपनी एज पर द मैस्टो नीड हायरार्की। यू नो वेरी वेल जो सिक्योरिटी गार्ड पे लोग काम कर रहे हैं उनकी नीड किस लेवल पे होगी, साइक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड, स्टीम नीड, ठीक है, ये सब स्टेप्स हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, तो ये जो हैं किस लेवल पे काम करते हैं, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पे वर्क करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। A company was manufacture LED bulb which were in great demand. It was found that the target of producing 300 bulb a day was not met by the employees. On analysis, it was found that the workers were not at fault. Due to the electricity failure and shortage of workers, the company was not able to achieve the set target and alternative arrangements were needed. To meet the increased demand, the company assessed that approximately 88 additional workers were required, out of which 8 would work as head of different department and 10 would work as subordinate under each head. The required qualification and job specification were also enlisted. It was also decided that necessary relaxation should be given to encourage women, person from backward and rural areas and person with the special abilities to assume responsible position in the organization. All efforts were made to match the ability of the applicants with the nature of work. Simple is question mein hai ki company jo hai wo LED bulb manufacture kar rahi hai, which were in a great demand, jiski demand kafi jyada hai. It was found aur us और ये भी देखा गया है, ये फाउंड किया गया है कि 300 बल्ब अ डे वाज नॉट मेट बाय द एम्प्लॉयज, यानी जो टारगेट प्रोड्यूस रखा गया है कि 300 बल्ब डेली हमें प्रोड्यूस करना है एक एम्प्लॉय के थ्रू, वो भी डे टू डे अचीव नहीं हो पा रहा है। जब इसको एनालाइज किया गया तो फाइंड आउट किया गया कि ये वर्कर्स की फॉल्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर और शॉर्टेज ऑफ वर्कर के कारण कंपनी इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है। सो इंक्रीज डिमांड को देखते हुए कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 88 एडिशनल वर्कर को क्या किया गया कि रिक्वायर्ड थी, जिसमें से 8 जो थे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एंड 10 वुड एज एन सबऑर्डिनेट अंडर ईच हेड। इट मींस 8 हेड अपॉइंट किए गए, हर डिपार्टमेंट जो 8 डिपार्टमेंट है उसमें सब 10 सबऑर्डिनेट डेवलप किए गए, तो टोटल 8 डिपार्टमेंट फॉर 10 वर्कर्स इज 80 वर्कर्स एंड 8 इज अ हेड, तो 88 टोटल हुए। द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जॉब इज ऑल्सो इनलिस्टेड, और ये भी डिसाइड किया गया कि नेसेसरी रिलैक्सेशन दिया जाएगा वोमेन को, जो पर्सन बैकवर्ड या रूरल एरिया से आए हैं, जो पर्सन स्पेशल एबिलिटीज हैं, तो उस तरह की कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, और सारे एफर्ट्स वे मेड टू मैच द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट विद द नेचर ऑफ वर्क। सिंपल सा एक केस स्टडी है, इसमें सिंपल सा कहा गया है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कसेबल। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहला फंक्शन जो है वो है कंट्रोलिंग, उसे क्या किया गया है, फाइंड आउट किया गया। सो फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के साथ साथ इस पूरे क्वेश्चन में स्टाफिंग की भी बात की गई है, क्योंकि अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो यू कैन सी दैट हमने इसमें क्या फाइंड आउट किया कि हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, यानी टारगेट क्या था 300 बल्ब, लेकिन एक्चुअली देखा गया तो 300 बल्ब डेली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। फिर एनालाइज डेविएशन को एनालाइज किया गया कि रीज़न क्या है, फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन कि उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया गया, यानी इसमें लिखा है स्टेट द टू स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन डिस्कस इन द अबव पैरा, यानी आप अगर कंट्रोलिंग से कोई फंक्शन है इसमें पाया गया तो कौन सा फंक्शन है, और स्टाफिंग का है तो कौन सा फंक्शन है। तो सिंपल सा यू कैन सी दैट अगर स्टाफिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहला फंक्शन जो पूरे केस स्टडी में परफॉर्म किया गया वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, विच इन्वॉल्व्स नोइंग हाउ मेनी पर्सन आर नीडेड एंड ऑफ व्हाट टाइप। ये लाइन है इसकी, टू मीट द इंक्रीज डिमांड द कंपनी असेस दैट सबऑर्डिनेट अंडर ईच हेड।
Second, recruitment, which involves searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization. तो ये दूसरा स्टेप है रिक्रूटमेंट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स को क्या किया गया, स्टिमुलेट किया गया, इंड्यूस किया गया कि वो जॉब को अप्लाई करें. अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग के भी कुछ स्टेप्स इसमें फाइंड आउट किए गए, जिसमें पहला था कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, विच वुड रिवील द डिविएशन बिटवीन द एक्चुअल डिजायर. तो यू कैन सी दैट इट वॉज फाउंड दैट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 बल्ब अ डे वॉज नॉट मेड बाई द एम्प्लॉयज. एनालाइजिंग डिविशन की बात करें तो यू कैन सी दैट इस पूरे क्वेश्चन में लिखा गया है कि रीज़न क्या है. इट वॉज फाउंड दैट द वर्कर वेयर नॉट एट फॉल्ट, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स वेयर नीडेड. सो अगर हम पूरा केस स्टडी देखते हैं तो उसमें दो बेसिकली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ किया गया है, वो है कंट्रोलिंग और स्टाफिंग. स्टाफिंग में हम मैन पावर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं. कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं विद द प्लांट परफॉर्मेंस, और डेविएशन को एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम रीजंस फाइंड आउट कर सकें कि आखिर हमारा डेविएशन क्यों आ रहा है. तो ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एन क्वेश्चन नंबर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड ऑल द क्वेश्चन यू कैन सी दैट ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड इन द CBSE ऑल इंडिया एग्जामिनेशन. The question is, which principal is being overlooked by Mohan, a manager, in the following cases? यानी इन सारे केसेस में आपको ये बताना है कौन सा principal of management, चाहे वो फ्यूल का हो चाहे वो FW Taylor का हो, वो overlooked हुआ है, means violate हुआ है. First, he accept his subordinate to adopt to new environments and working condition without giving them time to settle down. यानी कि वो accept करता है मोहन कि उसके सबॉर्डिनेट न्यू इन्वायरमेंट और वर्किंग कंडीशन में अडॉप्ट हो जाएं, चेंज हो जाएं, बिना किसी तरह का कोई टाइम लिए हुए. तो यू नो वेरी वेल इट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एवरी सबॉर्डिनेट हैविंग अ सफिशेंट टाइम टू अडॉप्ट टू एडजस्ट इन द न्यू टाइप ऑफ इन्वायरमेंट एंड द वर्किंग कंडीशन. इसीलिए उनका टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए अडॉप्ट करने के लिए. सेकेंड, ही एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट टू वर्क फॉर द हैप्पीनेस एंड प्लेजर ऑफ बींग इन द ऑर्गेनाइजेशन. वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके सबॉर्डिनेट अच्छे से काम करें और प्लेजर से काम करें, खुशी के साथ काम करें. तो यू नो वेरी वेल इट इज ऑल अबाउट द मनी. So according to the principle of remuneration of employees, एक organization में subordinate तभी अच्छे से और मन लगा कर काम कर सकते हैं जब उनको monetary benefit properly हो. Third, he does not distribute the work among his subordinate either according to the capability or proportionately. You know very well, इसमें ये कह रहा है कि जो मोहन manager है उसने अपने सबॉर्डिनेट को जो काम डिस्ट्रीब्यूट किया है ना तो वो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग किया है ना ही प्रोपोर्शनेटली यानी कि प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग किया है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, देयर शुड बी अ एडुकेट एंड रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क एमंग द सबॉर्डिनेट्स. बेसिकली सच काइंड ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क मस्ट बी डिपेंड अपॉन द कैपेबिलिटी एंड प्रपोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़. यानी एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वर्क को डिपेंड करना चाहिए. नंबर फोर, ही इज़ वेरी लैक्स. लैक्स मतलब केयरलेस विथ हिज फेलो एम्प्लॉयज़ एंड सबॉर्डिनेट. ही डज नॉट गिव देम पैरामीटर और रूल्स फॉर रिपोर्टिंग टू वर्क एंड कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट. यानी मोहन बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है with his fellow employees and subordinates, and he does not give them parameter, और वो किसी प्रकार का कोई parameter नहीं देता या rules नहीं देता कि वो कब काम के लिए report करें और कब काम को complete करके मुझे दें. इस तरह का जब carelessness manager दिखाता है, इसका मतलब वो एक तरह का indisciplined behavior कर रहा है. So according to the principle of discipline,
देयर शुड बी अ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होना ही बड़ी बात नहीं है, इट इज इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज टू फॉलो सच काइंड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन. नंबर 5, ही ऑफन स्पीक टू पीपल एट ऑल लेवल पासिंग ऑन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग हिज डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो आर डिपार्टमेंट. उसने ये भी किया है कई पीपल को, सारे लेवल्स को, कि वो इंफॉर्मेशन पास करें हिज डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो अदर डिपार्टमेंट. यानी यहाँ पर किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, वो अक्सर सारे लेवल्स पे बात करता है, इंस्ट्रक्शन पास आउट करता है अपने डिपार्टमेंट और ऑल्सो अदर डिपार्टमेंट. इट इज़ बेस्ड ऑन द स्केलर चेन. यू नो वेरी वेल देर शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन टूल, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द कम्युनिकेशन रिसिपेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर. यानी जब एक पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करता है तो उसका एक प्रॉपर चैन होता है. जैसे परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये प्रॉपर एक चैन चलता रहता है. ओके okay?